नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अगर आप लोग का ATM कार्ड खो जाता है या फिर कोई भी ओरिजिनल ID खो जाती है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सब अगर खो जाता है तो कैसे आप लोग FIR लिखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग कुछ जरूरी बातें बता दूँ। अगर आप लोग FIR लिख रहे हैं, चाहे आपका ATM कार्ड खोता है या फिर कोई भी ओरिजिनल ID खोती है, तो देखिए जहाँ पर आपका ATM कार्ड खोता है, यानी कि जिस जगह पर आप लोग का ATM कार्ड होता है, उसी उसी के नज़दीकी थाना पे आप लोग को ये FIR दर्ज करवानी है। और मान लीजिए आपका ATM कार्ड कहीं और खोता है, और अगर आप लोग कहीं और दूसरे थाना पे जाओगे तो वहाँ पे FIR नहीं लिखा जाएगा। अगर आप लोग FIR दूसरे थाना पे लिखवाना भी चाहते हो तो आप लोग को अपने जो FIR है उसमें मेंशन करना है, उसी थाना के अगल बगल कोई जगह बता देनी है, लिख देनी है, ताकि उनको विश्वास हो जाए। तो आइए अब आप लोग को बताते हैं कि कैसे FIR लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप लोग को FIR जो लिखेगा वो A4 साइज पर बिल्कुल वाइट पेपर पे आप लोग को लिखना है, लाइन वाले कॉपी पे आप लोग को नहीं लिखना है। तो यहाँ पे FIR लिखने में सबसे पहले आप लोग सेवा में सबसे ऊपर लिखोगे, उसके बाद श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, इसके बाद आप लोग मेंशन करोगे जो थाना है वो, यानी कि जिस प्लेस पे थाना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सिधारी आजमगढ़ लिखा है, तो आप लोग जिस भी एरिया के थाना में FIR लिखवाने जा रहे हो उस जगह का नाम आप लोग जरूर मेंशन करोगे। उसके बाद आप लोग को मेंशन करना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ ATM कार्ड खोने के संबंध में लिखवा रहा हूँ, अगर आप लोग का पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड खोता है तो आप लोग उसको यहाँ पर मेंशन करोगे। इसके बाद आप लोग को पूरा FIR इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है उस तरीके से लिख देना है। श्रीमान, मेरा ATM कार्ड या फिर जो भी आप लोग का ओरिजिनल ID, जैसे कि पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड खोता है तो वो खो गया है, मेरा खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हरबंसपुर में है। आप लोग मेंशन करेंगे कि आपका अकाउंट किस ब्रांच में, किस बैंक में है। उसके बाद अकाउंट नंबर आप लोग मेंशन करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग बताओगे कि मेरा जो ATM कार्ड है वो सिधारी, यानी कि जिस भी थाने के आसपास आपका ATM कार्ड या फिर कोई भी ओरिजिनल ID खोती है, उसके अगल बगल का कोई जगह यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दोगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग ये लिखोगे, नीचे यहाँ पे आप लोग को लिखना है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि FIR दर्ज करें और उसकी एक प्रति हमें प्रदान करें, ताकि बैंक के द्वारा हम दूसरा ATM कार्ड के लिए आवेदन कर सकें। तो ये तो हो गया ATM कार्ड खोने के संबंध में। तो इसी तरीके से अगर आप लोग का मान लीजिए पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड होता है, तो उसी तरीके से आप लोग लिखोगे। सबसे पहले आप लोग को लिखना है कि मेरा पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड खो गया है। इसके बाद अगर आप लोग को अपने आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड का नंबर, जो डॉक्यूमेंट नंबर होता है, वो याद है तो वो भी आप लोग मेंशन करोगे। और जिस जगह पर खोई है, जहाँ पर भी आप लोग को शंका है खोने की, उस जगह आप लोग मेंशन करोगे। उसके बाद आप लोग पूरा FIR इस तरीके से लिख दोगे। तो इस तरीके से लिखने के बाद आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर नीचे स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आप लोग को अपना नाम लिखना है, अपना पूरा पता, पिन कोड सहित आप लोग लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखोगे, ईमेल आईडी लिखोगे, और इधर राइट साइड में आप लोग को दिनांक यानी कि डेट मेंशन कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग पूरा FIR लिख लोगे। और सबसे पहली बात तो आप लोग इसकी एक फोटोकॉपी करा के थाने में ले जाएंगे और दोनों पे वो मोहर लगा के दे देंगे, जिसके बाद इसकी एक कॉपी जो आप लोग को मिलेगी रिसीविंग, उसको आप लोग बैंक या फिर जहां पे भी आप लोग को लगाना हो उसको आप लगा सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग पूरा FIR ले सकते हो। मैंने आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, फिर भी अगर आप लोग को कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो, हम आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। और इसी तरह के हेल्पफुल इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।